पता है बच्चों, हम लोग बदलाव से क्यों डरते हैं? क्योंकि बदलाव को हमेशा दर्द से रिलेट करके देखा गया है। यानी चेंज का मतलब पेन होता है। जब भी देखते हो आप कहीं दूसरी जगह जाते हो या आपका सिचुएशन चेंज होता है, तो वहाँ जब जगह में बदलाव होता है ना, तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर बदलाव नहीं होगा तो प्रगति नहीं होगी। अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो अपने में चेंज लाना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, आपका दिल टूटता है, आपके लाइफ से कोई जाती है और आपके लाइफ में अचानक चेंज होता है, क्योंकि आप किसी के बहुत हैबिचुअल हो चुके होते हो। और अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर आप दर्द में ही जियोगे। इसीलिए हमेशा मैं यही समझाती हूँ, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में चेंज होता रहेगा। पानी भी जब बहना बंद हो जाता है ना, जब देखते हो पानी बहना बंद कर देता है तो वो सड़ जाता है। नदी जब बहती रहती है तो फ्रेश वाटर रहता है, लेकिन कहीं पर देखना नदी का अगर बहाव रुक गया या कहीं वो ऐसी जगह पे फंस गई नदी के कुछ एक धारा जहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है, तो वहाँ पे सड़ांग शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखना, चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और लाइफ में अगर चेंज आ रहा है तो हमेशा चेंज फॉर द बेटर करो। हमेशा कोशिश करो कि आपके लाइफ में चेंज आए, वो पॉजिटिव चेंज आए। और पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में तब आएगा जब आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, तभी।